हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल। मैं अनमोल मित्तल करता हूं आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत। क्या आप ऑप्शन से पैसा बनाना चाहते हैं? बहुत सिंपल टूल के साथ, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं, कोई पैसा खर्च नहीं करना किसी कोर्स के लिए, इसी वीडियो में सिखाएंगे। बने रहिए, बहुत मजा आएगा। देखिए, कुछ हमने वीडियोज डाली ऑप्शन की, हमारे जो सब्सक्राइबर्स है, फॉलोअर्स है, वो जानते हैं बहुत सारी स्ट्रेटेजी है। बहुत सारे आपको न्यूज के ऊपर स्ट्रेटेजीज मिल रही होगी, उसमें बता रहे होंगे निफ्टी ये कर सकता है, एक्सपायरी यहाँ हो सकती है, एक्सपायरी वहाँ हो सकती है, बैंक निफ्टी एक्सपायरी पे ये करेगा, ये न्यूज आएगी तो ये होगा। इन सबको अपने दिमाग से निकाल दीजिए। गामा, थीटा, वीगा, ये जो बताया है ये फिलहाल अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि हम जिस टूल से आप एनालिसिस करेंगे उस टूल का नाम है टेक्निकल एनालिसिस। हम प्योरली टेक्निकल एनालिसिस करेंगे ऑप्शंस के अंदर और देखते हैं कि किस तरीके से टेक्निकल ऑप्शंस के अंदर काम करते हैं। यहाँ पर बाकी सभी चीजें एक साइड कर दीजिए, सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस को लेकर आइए। तो चलते हैं एक बार कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं कि किस तरीके से टेक्निकल का इस्तेमाल करके ऑप्शंस ट्रेड किए जा सकते हैं, बखूबी किए जा सकते हैं और बढ़िया पैसा बनाया जा सकता है। चलिए देखते हैं। दोस्तों, सामने जो आपको चार्ट दिख रहा है वो निफ्टी अक्टूबर 11,500 का कॉन्ट्रैक्ट है और ये पुट है। और अगर एक एक और चार्ट में आपको दिखाऊं तो ये देखिए, ये कॉल का चार्ट है, अक्टूबर का ही है, मंथली चार्ट है। आप इसको वीकली पर भी काम कर सकते हैं, वीकली पे भी ट्रेड ले सकते हैं, आप चाहे तो इसको मंथली वाले पे भी ट्रेड ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, जो भी ऑप्शन आप ट्रेड करें उसके अंदर लिक्विडिटी होनी चाहिए। उसके अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए कि खरीदने वाले और बेचने वाले में काफी डिफरेंस आ रहा हो, 5-5, 6-6 रुपए का डिफरेंस आ रहा हो। एक एक टिक के ऊपर एक अच्छा खासा वॉल्यूम होना चाहिए। वीकली जो ऑप्शंस होते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी के, उनके अंदर बहुत अच्छा वॉल्यूम होता है, तो उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ट्रेड ले सकते हैं। और एट द मनी पे ट्रेड लीजिए। एट द मनी का मतलब क्या होता है, निफ्टी कितने पर चल रहा है, मान लेते हैं निफ्टी 11,500 का चल रहा है, तो 11,500 के आसपास के कॉल और पुट उठा लीजिए और उसके ऊपर ट्रेड करिए। उसके चार्ट को देखिए, देखिए यहाँ पर हमें कोई मतलब नहीं निफ्टी क्या कर रहा है, हमें कोई मतलब नहीं बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, किसका चार्ट कहाँ जा रहा है, ग्लोबल न्यूज क्या हो रही है, न्यूज वाले क्या कह रहे हैं, हमें कोई मतलब नहीं। हम सिंपली चार्ट एनालिसिस करेंगे ऑप्शंस के, हमें निफ्टी के भी चार्ट एनालाइज करने की जरूरत नहीं है, बैंक निफ्टी के भी एनालाइज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऑप्शन के चार्ट एनालाइज करेंगे, मोर देन इनफ है, यहीं पर सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। ये चार्ट ही डिसाइड कर देंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी कहाँ जाने वाला है। टेक्निकल एनालिसिस हर जगह काम करता है। देखिए, मैंने आपको काफी टाइम से कह रहा हूँ, सबसे पहले ट्रेंड को आइडेंटिफाई करो। ट्रेंड क्या होता है? ट्रेंड आइडेंटिफाई करने का बड़ा सिंपल और बहुत सरल सा तरीका यह है कि स्विंग्स आपको ऐसे ऊपर बनते हुए जाते हुए दिखाई देने चाहिए। ये जो पिछले जो लो बन रहे हैं, ये जो लो पॉइंट बन रहे हैं, जब भी ये लो पॉइंट ब्रेक हो जाए तब मार्केट के अंदर पैनिक बनता है, या तब आप सोच सकते हैं कि मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर रहा है, राइट? जैसे कि आप देखिए, ये जो ट्रेंड है बहुत क्लियर बनता हुआ जा रहा था, लेकिन फर्स्ट टाइम यहां पर जो ये स्विंग था इसको ब्रेक करा, उसके बाद फिर एक ये स्विंग यहां ब्रेक हुआ, तो दो बार ये ब्रेक हो गए, तो यहीं पर हमें पता लगा कि कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर पैनिक क्रिएट हो रहा है, राइट? ये पैनिक क्रिएट हमें पहले ही पता लग गया, काफी टाइम पहले। अगर आप देखें, ये 1 आवर का चार्ट है, मार्केट बखूबी आज गिरी है, आप सभी जानते हैं बखूबी आज गिरी है, लेकिन ये जो ट्रेंड चेंज है ये कब हो गया था, ये 2 दिन पहले ही हो गया था। आपको सिर्फ ध्यान देना है कि पुट का चार्ट भी देखना है और कॉल का चार्ट भी देखना है, और दोनों को देख करके अगर आप ऑप्शंस बाइंग की बात करें, देखिए इस वीडियो में हम सिर्फ बाइंग की बात कर रहे हैं, हम ऑप्शन राइटिंग की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ बाइंग की तरफ चल रहे हैं। तो अगर आप ऑप्शंस को बाय करके, यानी कॉल बाय करके, पुट बाय करके ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ट्रेड लेना चाहते हैं और टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू करना चाहते हैं, तो कैसे करें? तो आपको सिर्फ क्या ध्यान देना है कि कौन सी चीज ऊपर जाने की संभावना है। पुट के ऊपर जाने की संभावना है तो पुट खरीदेंगे, कॉल के ऊपर जाने की संभावना है तो कॉल खरीदेंगे। यहां पर शॉर्ट नहीं करना है कुछ भी, यानी शॉर्ट सेलिंग करके कोई काम नहीं करना है। उससे अच्छा देखिए, अगर देखिए कॉल के अंदर अगर मार्केट नीचे गिर रही होगी तो पुट के अंदर मार्केट ऊपर बढ़ रही होगी, राइट? तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं, ये देखिए, जैसे कि यहाँ देखिए, ये रिसेंटली ये ट्रेंड चेंज हुआ, जो पुट है वो पुट ऊपर आती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ देखिए कॉल नीचे जाती हुई दिखाई दे रही है। तो कॉल नीचे जा रही है तो आपको ये पता है कि मार्केट नीचे गिर सकती है, तो मैं शॉर्ट करूं? नहीं, शॉर्ट नहीं करना है, आप पुट पर जाकर के बाय कर सकते हैं, आप पुट को ले सकते हैं,
राइट। तो यहां पर जो दोनों काम होंगे बाय करके होंगे, लॉन्ग करके होंगे। जिस तरीके से हम स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं कैश मार्केट के अंदर, सिर्फ बाय करके काम करते हैं, उसी तरीके से आप दोनों चार्ट देख करके देखिए कहां पर बाइंग अपॉर्चुनिटी बनी हुई है। ट्रेंड एनालिसिस आपको समझ में आ गया, सिंपल सी दो चार मूविंग एवरेज लगाएंगे, बिल्कुल पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि कहां पर आपको ट्रेड लेना चाहिए। देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम स्टडीज में जाते हैं, स्टडीज में जाकर के हम एक मूविंग एवरेज लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज जो है वो है 200 की, 200 मूविंग एवरेज, राइट। एक मूविंग एवरेज आपने 200 की लगा ली है, राइट, क्लियर। इसके बाद एक अनदर मूविंग एवरेज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है 100 की मूविंग एवरेज। काफी लोग 150 की लेते हैं, मैं 150 की यूज नहीं करता, मुझे कुछ खास लगती नहीं है, मुझे 100 की ज्यादा अच्छी लगती है, मैं 100 की लेता हूँ, राइट। 100 की मूविंग एवरेज ले ली। उसके बाद एक मूविंग एवरेज बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसको हम कहते हैं 50 की मूविंग एवरेज, उसको भी ले लीजिए, उसका भी एक कलर लगा लीजिए। और एक मूविंग एवरेज और ले लीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है 20 की मूविंग एवरेज। ये 20 की मूविंग एवरेज ली हमने, और इसको कोई एक कलर दे दीजिए, अच्छा सा कलर दे दीजिए ताकि अच्छे से डिस्प्ले हो, दैट्स इट। अब थोड़ा सा टाइम फ्रेम कम करते हैं। टाइम फ्रेम कम करने से होगा क्या कि आप इंट्राडे पर्पस के लिए भी ट्रेड ले सकते हैं, साथ में अगर 2 4 दिन के लिए ट्रेड लेना चाहते हैं, आप होल्ड करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। बाकी मैं एडवाइस नहीं करता हूँ होल्ड करने की, मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल, बहुत ज्यादा पैनिक है, ऑप्शंस भी पैनिक करते हैं, तो आप इंट्राडे के अंदर अपना डिसाइड कर सकते हैं कि क्या है, बाकी करना चाहे कर भी सकते हैं, कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। देखिए सिंपल सा क्या है, जो हमारी मेन मूविंग एवरेज है, मेन मूविंग एवरेज है हमारी 200 की। 200 की मूविंग एवरेज आप सभी जानते हैं यह बहुत पावरफुल होती है। मार्केट अगर इसके ऊपर है तो तेजी से ऊपर जाता है, मार्केट अगर इसके नीचे जाता है क्रॉस करके तो तेजी से नीचे जाता है। क्रॉस करने की बात कर रहा हूं मैं, जैसे कि देखिए यहाँ क्रॉस करा तेजी से, एक बार तेजी दिखाएगा, जैसे यहाँ पर क्रॉस करा एक बार तेजी से नीचे जाएगा, राइट। इतना आपको समझ में आ गया। तो इसके ऊपर अगर स्टॉक चल रहा है तो क्या कर रहा है, इसके ऊपर अगर आया है क्रॉस करके तो अप ट्रेंड में आया है, तो आप इसको स्टॉक की तरह ट्रेड करें। आप ये मत सोचे ये ऑप्शन है, ये क्या है, इसका प्रीमियम क्या है, आपको कोई मतलब नहीं है। आपका एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस और स्ट्रिक्ट टारगेट होना चाहिए, उसके ब्याह पे आप ट्रेड लेंगे। तो यहाँ पर कैसे ट्रेड ले सकते हैं, अगर आप देख रहे हैं सेटअप के अंदर मार्केट ऊपर जाता है, ऊपर जाके करेक्शन लेता है और कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है ऊपर की 2 लाइनों को, तो इन 2 लाइनों को सपोर्ट करे चाहे 3 लाइनों को सपोर्ट करे कोई मतलब नहीं है। सबसे ऊपर वाली जो लाइन है उसको जैसे ही क्रॉस करके ऊपर जाए वैसे आप ट्रेड ले सकते हैं। जैसे कि देखिए करेक्शन कंप्लीट करिए, करने दीजिए इसको जितनी भी कंप्लीट करनी है, और ऊपर वाली लाइन देखिए, ऊपर वाली लाइन कौन सी है, उसके ऊपर क्लोजिंग आनी चाहिए। देखिए मैं यहाँ पर बड़ा करके दिखा रहा हूँ, करेक्शन करने दो, जितनी करेक्शन करनी है, इस लाइन पे सपोर्ट लेना है लेने दो, इस पे लेना है लेने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही क्रोसिस अबोव करेगा इस लाइन को, जैसे कि इस कैंडल ने करी, इस कैंडल के ऊपर आप बाय कर सकते हैं, बाय हेयर एसएल हेयर, और आपका मुश्किल से 15 या 20 रुपए का यहाँ पर एसएल है, रिस्क है, और उसके अगेंस्ट आपका जो टारगेट है बहुत बड़ा है। अगर मैं देखूँ 100 रुपीज की मूवमेंट आ गई है बहुत जल्दी, तो 15 20 रुपए का रिस्क लेकर के 100 रुपीज की मूवमेंट इसके अंदर देखने को मिल गई है, उसके बाद इसने फिर करेक्शन स्टार्ट करी है। तो आप अपना एक तो रिस्क डिसाइड करें और टारगेट डिसाइड करें, मेरे हिसाब से 2 से 3 गुना बहुत है, मोर देन इनफ है। अगर 15 20 रुपए का रिस्क है, 40 रुपया मिल जाए, 80 रुपया मिल जाए, मतलब 20 रुपए का रिस्क है, 40 रुपया मिल जाए, डबल मिल जाए पैसा, तो मोर देन इनफ है। आप चाहे तो 3 गुना भी रख सकते हैं, लेकिन इसकी चाल के अगेंस्ट नहीं। इसकी मूवमेंट देखिए कितनी मूवमेंट देता है, 100 रुपए की मूवमेंट देते हैं स्विंग्स, कितनी मूवमेंट देते हैं ये एक दो स्विंग से पता लग जाता है। जैसे कि यहाँ देखिए इस स्विंग ने लगभग 100 रुपीज की मूवमेंट दी थी, उसके बाद देखिए किसने क्लोजेस अबोव करा, क्लोजेस अबोव होने दीजिए, देखिए यहाँ कोई क्लोजेस अबोव नहीं हुआ। देखिए ये कैंडल है जिसने अच्छे से क्लोज करा इसको, मूविंग एवरेज को देखिए, इसको देखिए, अब यहाँ पर देखिए इसने करा क्लोज, इसके ऊपर बाय करना है, जैसे ही इसका हाई ब्रेक हो जाए इसके लो के नीचे थोड़ा सा नीचे एसएल लगाइए और अपना टारगेट रखिए, फिर 100 रुपीज की मेरे हिसाब से मूवमेंट आगे होगी, 100 रुपीज की मूवमेंट आराम से हो गए दोस्तों ऑप्शन ट्रेड। और क्या करना है, टेक्निकल एनालिसिस में बहुत पावर है, सिंपल सा सेटअप है, सिर्फ मूविंग एवरेज यूज की गई है और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर देखिए फिर आपको एक ट्रेड मिल गया है, इस ट्रेड को देखिए, यहाँ पर देखिए ये वाली कैंडल है, इसके ऊपर बाय करना था यहाँ पर, और यहाँ पर एसएल लगाना था, दैट्स इट। और यहाँ पर देखिए फिर 100 रुपीज की मूवमेंट आपको इजिली मिल गई थी, 100 रुपीज, राइट। उसके बाद एक ट्रेड मिला है, जैसे कि ये वाला देखिए मैं दिखा देता हूँ, जिसमें मेरे ख्याल से आपका एसएल हिट हो जाएगा,
ये वाला ट्रेड देखिए, इसमें क्लोजिंग दी इसने, क्लोजिंग देके सस्टेन नहीं करा, यहाँ पर एसएल हिट हो गया, एसएल हिट होंगे, फिर एक देखिए एक ट्रेड दिया, उसके बाद मार्केट में एक बखूबी तेजी देखने को मिली, राइट। तो इस तरीके से दोस्तों आप ट्रेड ले सकते हैं, 1 गुना 2 गुना 3 गुना जितना आपको टारगेट रखना रखिए, और बहुत बढ़िया तरीके से ट्रेड होते हैं, स्टॉक की तरह आप इनको ट्रेड कर सकते हैं, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कोई बच्चा भी कर सकता है। और मार्केट में जब भी ट्रेंड रिवर्स होगा आपको 200 मूविंग एवरेज का ध्यान रखना है, जैसे कि ये देखिए यहाँ पर 200 की मूविंग एवरेज ब्रेक हो गई थी, ये देखिए आप इस पे भी ट्रेड ले सकते थे, इस कैंडल के नीचे आपको क्या करना था, मतलब शॉर्ट करना था और इसके ऊपर बाय करना था, लेकिन अभी हमने बात करा कि हम शॉर्ट की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ बाय की बात करेंगे। तो आप बाय कहाँ कर सकते थे, तो बाय कर सकते थे दोस्तों आप पुट के चार्ट में, देखिए मैं पुट का चार्ट यहाँ लगाता हूँ, निफ्टी अक्टूबर 11,500 का जो पुट है वो हम लगाते हैं, ये देखिए। तो आपको बाय कहाँ करना था, 200 की मूविंग एवरेज, ये देखिए 200 की मूविंग एवरेज यहाँ पर क्रोसिस अबव हुई, वहां क्रोसिस बिलो थी यानी नीचे की तरफ था ब्रेक, यहाँ पर क्रोसिस अबव हुई तो यहाँ पर आप इसको बाय कर सकते थे। तो दोनों चार्ट रडार में रखिए, पुट का भी और कॉल का भी, और इसके ब्याह पे ट्रेड लिए जा सकते हैं बहुत आसानी से, सिंपल सा सेटअप है मूविंग एवरेज का, बहुत सारे टूल इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, कोई भी एक टूल जो आपको पसंद आता हो, जो आपको कंफर्टेबल लगता हो, जो आपको सरदर्द ना करता हो, वो टूल उठा करके ट्रेड करिए, उससे ही पैसा बन जाएगा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, और सिर्फ एक कैंडल ही तो है जिसका आपका स्टॉप लॉस है, हद से हद एक कैंडल या दो कैंडल होगी, उससे ज्यादा स्टॉप लॉस नहीं बनता है, और टारगेट्स आपके देखिए बहुत बढ़िया बढ़िया बनते हैं, क्योंकि ऑप्शंस वोलेटाइल्ड है, 100 रुपए की चीज 500 रुपए की होती है 10-15 दिन के अंदर, और क्या चाहिए, जितना ज्यादा मोमेंटम होगा ट्रेडिंग में पैसा तभी बनता है, चीज ऊपर जाए तेजी से या चीज तेजी से नीचे आए पैसा तभी बनेगा, राइट। यहां पर देखिए जो मेरी लास्ट वाली वीडियो थी जिसमें काफी लोगों ने कहा कि इसके जो ट्रेड है ये 3-4 ट्रेड में 3-4 हज़ार रुपए का लॉस, देखिए छोटे छोटे लॉस से डरिए मत, मैंने कमेंट में भी करा था, आई लव स्मॉल लॉसेस, स्मॉल लॉसेस से मुझे प्यार है। यहाँ पर मैं देखिए मैं दिखा देता हूँ आज के, अगर आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम लगती है, आपको मेरा चार्ट भी दिख रहा होगा, देखिए कुछ इसी तरीके की मूविंग एवरेजेस लगी हुई है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, इसके बिहाफ पे ट्रेड जा रहे हैं, तो मैं यहाँ पोजीशन में दिखा देता हूँ, देखिए 2-3 ट्रेड्स है, शायद आपको पता लग गया होगा, तो यहाँ पर देखिए एक ट्रेड है जिसमें 1,000 पे गए तो 1,000-1,500 मैक्सिमम लॉस होता है, तो इतना लॉस लेकर के मैं एग्जिट, यहाँ पर देखिए ये 2,300 का प्रॉफिट, यहाँ देखिए 6,500 का प्रॉफिट, ऑल ओवर जो है 7,000-8,000 के अप्रोक्स का प्रॉफिट, तो यहाँ पर सिर्फ इंट्राडे ट्रेड है और कुछ भी नहीं है, इंट्राडे ट्रेड करके ही ये पैसा बन गया है, कई बार 3-4 हज़ार का लॉस भी जाता है, उससे ज्यादा लॉस में होने देता नहीं है, क्योंकि एक मनी मैनेजमेंट है, एक रिस्क मैनेजमेंट है, उस रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से ही काम करते हैं, उससे ज्यादा नहीं, राइट। तो मुझे उम्मीद है कि ऑल ओवर वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, एट द मनी का कॉन्ट्रैक्ट उठाइए और उसके ऊपर देखिए, एट द मनी मतलब आप देखिए निफ्टी कितने पे चल रहा है, 11,680 यानी 11,700 का कॉल एंड पुट उठाइए, वीकली भी उठा सकते हैं, वीकली उठाएंगे ज्यादा बढ़िया है क्योंकि उसमें वॉलेटिलिटी ज्यादा रहती है, बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में कर सकते हैं, और किसी चीज में करने से पहले वॉलेटिलिटी और वॉल्यूम दोनों देख लीजिएगा, कई बार इनमें लैग आते हैं, लैग मतलब खरीदने और बेचने वाले दूर दूर होते हैं, वहां ट्रेडिंग नहीं होगी, अच्छी खासी वॉलेटिलिटी और वॉल्यूम चाहिए, बिना वॉल्यूम के ट्रेड नहीं होगा, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में अवेलेबल होती है, वीकली में अवेलेबल होती है, ये जो वीकली ये जो कॉन्ट्रैक्ट दिख रहे हैं इनमें अवेलेबल होती है, राइट। तो ये वीडियो अगर पसंद आई है दोस्तों तो अप्रिशिएट करिएगा, मैं जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, अगर इसी तरीके की और वीडियो चाहिए अलग अलग स्ट्रेटेजीज के साथ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ, और किसी टूल के साथ, इंडिकेटर के साथ, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको जल्दी से जल्दी वीडियो प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। ये था पावर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस करके किस तरीके से ट्रेड लिए जा सकते हैं ऑप्शंस के अंदर, स्टॉप लॉस के साथ लिए जा सकते हैं, पूरा का पूरा प्रीमियम आपका खत्म नहीं होता है और अच्छे टारगेट्स आपको मिलते हैं। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।